बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में आईपीसी की धारा के तहत पूर्व सैनिक बबन भोसले ने केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर बड़ा आरोप लगाया था और सवाल किया था कि INS विक्रांत को बचाने के लिए जो पैसे जमा किए गए थे वे कहां गए। संजय राउत ने किरीट सोमैया पर हमला बोलते हुए कहा था, INS विक्रांत को बचाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी और लोगों से पैसे जमा किए थे। पैसे राजभवन में जमा होने थे और किरीट सोमैया ने तब राजभवन में पैसा जमा करने की बात की थी, लेकिन जब राजभवन से जानकारी मांगी तो ऐसे किसी पैसे की जानकारी नहीं मिली। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि ये 57 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की थी और आरोप लगाया है कि किरीट सोमैया ने जमा किए हुए पैसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल की, जिसके बाद बुधवार देर रात किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आज ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में ट्रॉम्बे मानखुर गांव में रहने वाला फिरियादी बबन भीमराव भोसले, इन्होंने किरीट सोमैया और उनके बेटा नील सोमैया, इनके खिलाफ उन्होंने INS विक्रांत ये जो जहाज है उसकी डाक ड्यूजी करने के लिए लोगों से विश्वास संपादन करके 57 अंदाजे और उससे ज़्यादा रकम रुपए लोगों के पास जमा की। इसके लिए आज ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में IPC सेक्शन 406, 420 और 34 अन्वय गुना दाखिल किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच ट्रॉम्बे पुलिस कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा।